सैफ अली खान और करीना कपूर खान फिल्म इंडस्ट्री के पावर कपल कहलाते हैं। इस स्टार जोड़ी ने खूब नाम और दौलत कमाई है। सैफ को फिल्म इंडस्ट्री में नवाब कहा जाता है तो वाइफ करीना को उनकी बेगम साहिबा। दरअसल सैफ पटौदी रियासत के नवाब हैं। पिता मंसूर अली खान के निधन के बाद उन्हें पटौदी का नवाब घोषित किया जा चुका है। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम के पटौदी में उनका एक भव्य पैलेस है। अक्सर सैफ करीना बेटे तैमूर के साथ पटौदी पैलेस में रहने जाते रहे हैं। सैफ अली खान के इस पैलेस को इब्राहिम कोठी के नाम से भी जाना जाता है। पटौदी हाउस हरियाणा के गुरुग्राम से 26 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में है। पैलेस के चारों तरफ हरियाली है। अरावली पहाड़ियों में बसा पटौदी हाउस 200 साल पुराना है। इसको रॉबर्ट और रसेल ने 1900 के आसपास डिजाइन किया था। उनके काम में ऑस्ट्रिया के आर्किटेक्ट कार्ल मोल्ड्स वॉन हेन्स ने सहायता की थी। कहा जाता है कि पटौदी पैलेस की कीमत 800 करोड़ रुपए है। पटौदी के परिवार के पास 2700 करोड़ की संपत्ति है। टाइगर पटौदी के निधन के बाद सैफ की मां शर्मिला इसकी देखरेख करती हैं। पटौदी पैलेस की डिजाइनिंग बेहद बेहतरीन है। पूरे पैलेस को सफेद रंग से रंगा गया है। इसकी वास्तु शैली कैनॉट प्लेस की इमारतों से प्रभावित है। पैलेस को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। सैफ अली खान का ये पैलेस करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कुल 150 कमरे हैं। इसके साथ ही महल में 7 ड्रेसिंग रूम, 7 बिलियर्ड रूम और खूबसूरत ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम भी है। यहाँ 100 से ज्यादा नौकर चाकर हैं। इस पैलेस में बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है, साथ ही कई अस्तबल, गैराज और खेल के मैदान बने हुए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पटौदी रियासत के 9वें नवाब मंसूर अली खान के साल 2011 में निधन के बाद सैफ अली खान को पटौदी रियासत का 10वां नवाब बना दिया गया था। पटौदी पैलेस में फिल्म वीर जारा की शूटिंग हुई थी। फिल्म में इसे प्रीति जिंटा के घर के तौर पर दिखाया गया था। इस पैलेस में कई और फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिसमें मंगल पांडे, वीर जारा, गांधी माय फादर और मेरे ब्रदर की दुल्हन भी शामिल हैं। पटौदी पैलेस किसी आलिशान महल से कम नहीं है। पैलेस का इंटीरियर बेहद खूबसूरत और एंटीक तरीके से किया गया है। आपको बता दें कि मंसूर अली खान को मृत्यु के बाद पटौदी पैलेस में ही दफना दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि पटौदी रियासत के पूर्वजों को भी पैलेस के आसपास ही दफनाया गया था। कहा जाता है कि सैफ के पिता मंसूर अली खान जब गुजर गए तो पटौदी पैलेस को नीमराना होटल को किराए पर देना पड़ा था, लेकिन इसे वापस हासिल करने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि जो घर विरासत में मुझे मिलना चाहिए था, उसे मुझे फिल्मों से पैसा कमा कर वापिस लेना पड़ा। महल को वापिस हासिल कर सैफ ने इसको अपने हिसाब से बनवाया और इसका इंटीरियर करवाया। इसके डिजाइन में बदलाव के लिए उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर दर्शनी सिंह की मदद ली। ब्यूरो रिपोर्ट E24।